पूरी दुनिया देखेगी। हाँ पक्की बात है, पूरी दुनिया देखेगी आपकी वीडियो। कोई अगर सरकारी बड़े बड़े अधिकारी देखता है तो इस चीज को, हमारे हम ड्राइवर हैं, हम गरीब इंसान हाथ जोड़ के कहते हैं आपके सामने, भाई साहब इसको आरटीओ को बंद कीजिए। मैं 48 घंटे नहीं सोए उस आरटीओ के चक्कर में। ट्रेलर है ये, अजमेर राजस्थान का बना हुआ। 1, 2, 3 तीनों एक्सल में एयर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। चेचिस की भाई क्वालिटी तगड़ी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिक्कत है आयसर वालों ने ये करी है कि जो केविन है ये छोटा दे दिया इसका। मजा तो देखे ऐसा भाई, जिसपे दो पैसे फालतू बचता है उस पे आता है, इस पे एवरेज है जो ज्यादा है इसकी उनसे। क्या माइलेज है इसका? 80% गाड़ी हमारी सब जो ढोने पे है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमित और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है ऑन रोड विद सुमित में। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आयशर की प्रो 60-55। भाई ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, आप एक बार पीछे देखोगे ना तो 1, 2, 3, 6 और 3, 9, 9 दूनी 18 टोटल 18 टायर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। भाई साहब ये है आयशर का पुलर प्रो 60-55। और आयसर की अपन ने छोटी गाड़ियाँ ज़्यादातर सिक्स व्हीलर तो बहुत देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार का कोई पुलर वगैरह जो है अभी तक इस चैनल पे दिखाया नहीं था आप लोगों को। तो आज भाई मौका मिला है, राजस्थान से गाड़ी आई हुई है और इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वे जनरली हम अब आगे से शुरू करते हैं, पर इसमें भाई पीछे से शुरू कर देते हैं अलग से। मतलब ऐसा कोई आयसर की तरफ से ही बना हुआ तो ये पीछे का ट्राला है नहीं, है ना, फ्लैट बेड ही है। और इसमें भाई ये माल अभी देखो लोड हो रखा है, नीचे की तरफ से आप देखो इसमें भाई एयर सस्पेंशन है। 1, 2, 3 तीनों एक्सल में एयर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। भाई साहब बलून बहुत तगड़े हैं इसके, बहुत इनमें टन टन जो आवाज़ आ रही है ना उनसे पता चल रहा है कि यार हवा भाई साहब इनमें भरी हुई है। यहाँ पे बैजिंग भी है देखो, 14 टन एयर सस्पेंशन है ना। पासिंग वगैरह कितनी है वो अभी भैया लोग अपन को बताएंगे। बाकी देखो लकड़ी वकड़ी जो है वो इन्होंने रख रखी है, और ये जो है वो मतलब ऊपर की तरफ कभी ऊंचा करने में काम आएगी, कभी साइड में जो है सपोर्ट देने के काम आती है, तो उस टाइप की जो है। ये नीचे की तरफ भी आप देखो कुछ तो जलाऊ लकड़ी भी हो सकती है। ये यहाँ पे पानी का जो कैन वगैरह है वो है, और ट्रेलर के लिए रख रखाव के निर्देश यहाँ पे दिए गए। ये जो ट्रेलर है ये पीछे का जो पूरा ट्रेलर है ये अजमेर राजस्थान का बना हुआ है। चित लांगिया इंडस्ट्रीज का जो टेलर है। चेचिस की भाई क्वालिटी तगड़ी है। 10R20 का यहाँ पे टायर दिया गया है। भाई 40 फीट ट्रेलर की लंबाई है और एक ही टैंक है गाइस इसमें 400 लीटर का। और ये रहा यूरिया का, जो कि 40 लीटर का यूरिया, मतलब 2 बाल्टी गाइस इसमें यूरिया आ जाएगा, 400 लीटर आपका डीजल आ जाएगा, 2 एयर के टैंक्स आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो भाई ये जो लाइन्स वगैरह जा रही हैं, कुछ ब्रेक सप्लाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रेशर सप्लाई, क्योंकि पूरा एयर सस्पेंशन है तो उस हिसाब से उसकी जो है हाइट भी कम ज़्यादा इसमें हो सकती है। पूरा का पूरा जो है इंजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इंजन पे भी भाई आयसर की देखो ऊपर की तरफ लाल लाल सी जो है बैजिंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये रहा इसका कूलेंट का। भाई साहब हाथ लगा के देखा मैंने यार, ये बहुत गर्म है। चलो गाइस ये तो ट्रेलर आपको दिखाया पीछे की तरफ से, अब थोड़ा सा फ्रंट लुक आप इसकी देख लीजिए। फ्रंट में आपको एक तो आयसर की बैजिंग प्रो 6055 की बैजिंग, एकदम सादा सिंपल सा जो है राजस्थान का गाड़ी का नंबर है। और ये रहा गाइस इसका बम्पर, और बम्पर अलग से अलग है, जैसे इस पर यदि कोई इम्पैक्ट आए भी ना, टोटल मेटल का है तो इस पर यदि कोई इम्पैक्ट आता है तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो मतलब डैमेज नहीं होगी। फॉग लैंप वगैरह के लिए जगह दी हुई है, लेकिन भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी और सिर्फ जो स्टॉक हेडलाइट्स हैं उन पे ये चल रही है। देखो इन्होंने अलग से कुछ लगवाया हुआ है 24 वोल्ट की 2 LEDs यहाँ पे लगी हुई है, बाकी और अलग से कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ केबिन के अंदर, और केबिन देखो गाइज आयसर का एज इट इज़ थोड़ा सा छोटा ही जो है बाकी गाड़ियों के मुकाबले में यहाँ पे दिया गया है। और भाई ही हमारे राजस्थान से, क्या नाम है भैया आपका? जुनेद भाई, कब से चला रहे हैं आप इस गाड़ी को? चार महीना हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए। इससे पहले और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई है आपने? लीलैंड की भी चलाई है, टाटा की भी चलाई है। टोटल ट्रेलर ही चलाते हैं आप? ट्रेलर ही चलाते हैं। अच्छा भैया आप भी ड्राइवर है? ये भी ड्राइवर है। अच्छा ये भी ड्राइवर ही है, दो ड्राइवर आप चल रहे हैं। कितना माल लोड होता है इसमें? 42 टन। अच्छा टाटा अशोक लीलैंड वगैरह आपने चलाई? चलाई। उनके ट्रेलर में ज्यादा मजा आया गाड़ी चलाने में कि इसमें ज्यादा मजा आ रहा है?
मजा तो देखिए ऐसा भाई, जिसपे दो पैसे फालतू बचता है उस पे आता है, इस पे एवरेज है जो ज्यादा है इसकी उनसे। क्या माइलेज इसका? माइलेज उनका 42 टन में 300 ऊपर निकल जाता है इसका, 3.5 तक पहुंच जाता है, 3.20 तक है, 3.20 तक हो जाता है, 3 से इनके ऊपर प्लस जाता है। अच्छा, उनका तो 2.5 पे रह जाता है। ये इनका है 270 मानो 280 मान, लास्ट 3 के अंदर अंदर रहेगा। क्या लोडेड है अभी इसमें? पाउडर चूना। चूना कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप? राजस्थान जोधपुर से आए थे, अभी नागपुर जाएंगे। गाड़ी कितनी पुरानी वैसे? ये अभी 2023 लास्ट महीने में, 2023 लास्ट महीने की। 90,000 किलोमीटर चला है। 90,000 चल गई है। कुछ खास प्रॉब्लम आपको पता चली गाड़ी में? मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, फिर भी आगे देखो समय बताएगी। अभी अच्छा, तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लोग आप चल रहे हैं, आपके हिसाब से केबिन कैसा है? छोटा है? केबिन छोटा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिक्कत है आयसर वालों ने ये करे है कि जो केबिन है ये छोटा दे दिया इसका, बहुत ही छोटा है। अभी दो आदमी क्या, एक आदमी इधर लौटेगा, एक पीछे की तरफ लौटेगा। तो अभी अब आप समझदार हो गए, अब चल रहे हैं हम, रात भर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद अगर हम आराम करेंगे तो कम से कम अच्छे से थोड़ा केबिन वो से होना चाहिए अच्छा। तो आप दो लोग एक साथ इसमें सो नहीं पाते हो? सोते हैं, मजबूरी है सोने के लिए। तो चलो जिसको नींद आएगा वो तो नीचे लुटा दो जमीन में, वो जब भी तो सो जाएगा भाई। अच्छा, हाँ सही बात है। तो अभी क्या के एसी वगैरह से वो से कोई दिक्कत नहीं, इसके उन्हें अच्छा कंप्लीट करके दिया। अच्छा, एसी भी है इसमें? हाँ, पूरा एसी है। ये देखो गाइस, एसी वगैरह जो है प्रॉपर। तो आप गाड़ी चलाते समय एसी चलाते हैं? तो एसी से माइलेज पे कुछ फर्क पड़ता है? पर कुछ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपना गर्मी पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, सर्दी पड़ रहा है, उसमें से एसी जब कंपनी वालों ने दे दिया तो उसको यूज करो। हाँ सही बात है, अपने लिए दिया है ड्राइवर, अपने लिए भी, फिर सेट भी बोलते हैं यूज करो भाई अपना। जब हम एसी की गाड़ी लेके आए तो यूज करने के लिए लेके आए, ये थोड़ी भाई इसमें एसी है तो इसको बंद रहने दो। 8 गियर आते हैं गाइस इसमें, आप देख लो। 8 गियर का यूज हो जाता है? 8 गियर आगे के हैं, एक जो सबसे बड़ा पावरफुल गियर होता है, कितनी बड़ी चढ़ाई पड़ती है, लो गियर मानते हैं जिसको। हाँ। एक वे गियर है, 10 गियर है टोटल इसमें। अच्छा, तो एक रिवर्स है, एक सी गियर है। हाँ। ना इंजन इसमें आयशर का ही है? जी, अपना जी। खुद का है ना? हाँ। कोई बाहर से कुमिंस जैसा कुछ? मतलब आयशर का ही है पूरा, अपना कंपनी का ट्रोली बना, आयशर कंपनी में ट्रोली। इस ट्रेलर की कीमत कितनी होगी भैया? इसकी तो भाई कीमत तो देख, इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ थी 60 लाख से ऊपर ऊपर प्लस मानो। अब पूरा पीछे से आगे तक पूरा मिला? मेरे ख्याल से पूरा मानो है ना। हाँ। पूरा माने 42 टन इसकी लोड कैपेसिटी है। हाँ। है ना, कितनी स्पीड पे आप इसको चलाते हैं? मैं चलाता हूँ जो 55 पे चल जाए, 50-55-60। इसकी स्पीड बंदी हुई है? नहीं नहीं, कोई बंदी नहीं, खुली हुई है। नहीं भगाओ जब मन करे। फिर भी कितना भगाया आपने? नहीं मैं नहीं भगाता, इतना भगाते हैं जितना अपने गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, उस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? अच्छा, ब्रेक तो एक नंबर है, ब्रेक तो इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई गाड़ी पहुंचेगी नहीं ब्रेक के बारे में कुछ ऐसा। ब्रेक तो इतना है कि जो अपना 10 टेरी 12 टेरी गाड़ी अलग साइड कर दो। हाँ। जैसे बोलते हैं लोग बाग, बोलते हैं हम भी पहले गाड़ी चला गए तो हम पहले 1 किलोमीटर पहले से ये सोचते थे भाई ब्रेक नहीं लगेंगे, कंट्रोल कर लो। हाँ। ये गाड़ी ऐसी अगर मन चाहे तो, मतलब ये यदि ये पेड़ के पास कुछ एकदम से आ गया और गाड़ी 50 की स्पीड में, तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे खेल दुकान चाहेगी। हाँ। ये चाहेगी टपरी के पास में अगर कोई अचानक कोई आदमी अगर 50 की स्पीड में गाड़ी, तो 50 की स्पीड उससे पहले रुक जाएगा गाड़ी, पहले ही रुक जाएगी। ब्रेक तो इतना, ब्रेक के बारे में तो वास्तव में गाड़ी दिया है आयशर वालों ने, हकीकत में गाड़ी दिया है ऐसा। टाटा के ब्रेक उतने सही नहीं थे? किसी के भी नहीं है इतने, किसी भी गाड़ी के नहीं है। भारत बहन चलाई है आपने? भारत बहन चलाई है, इतना नहीं चलाया मेरे ख्याल से, वे जब नई नई निकली थी। हाँ। कल एक चक्कर मारा था उसका गुजरात का। अच्छा। हाँ। तो इसमें मतलब ये गर्मी वर्मी कैसी क्या होती केबिन में? गर्म ही है थोड़ा सा? अब गर्म तो यूं होगा, छोटे केबिन है तो गर्म होगा। हाँ। नहीं एसी तो जैसे इसमें है चलते टाइम तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी, पर अभी अपन जैसे खड़े हुए हैं, कांच ओपन है अपने, पर जैसे रात वात में आपको रुकना था तो इंजन स्टार्ट करके तो रुकेंगे नहीं? नहीं नहीं, उस समय कैसा लग रहा है? क्या क्या अपने पंखा लगा हुआ है रात में रुकने के लिए? अच्छा, ये पंखा है? ये पंखा आपने? हाँ, ये पंखा लगा हुआ है भाई। अब ये तो है नहीं, हम इतना बड़ा सेट के बाप के बेटे तो है नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर दो रात भर एसी में चला के सो, पंखा चला लेते सो जाते हैं अपने आराम से, ठीक है, हो जाता है मैनेज। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे कोई अपने फर्म आ जावे तो फिर आप चला दे, जैसे कोई गाड़ी लोड हो रहा है। हाँ। गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो, ज्यादा गर्मी है तो भाई इसको चलाना पड़ रहा है, जैसा आप खड़ी में भी चला देते हैं फिर भी चलवाने, खड़ी में भी चलते है चलते में चलाने को चलाते हैं, पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, पक्की बात है, पूरी दुनिया देखेगी। तो भाई अगर पूरी दुनिया देखती है ना, मैं तो आपसे एक चीज कहता हूँ, जो आरटीओ जो एमपी में जो फिलहाल दंगा मचा रखा है आरटीओ के लेके, खास तौर आरटीओ, जितनी कम से कम 70% जो गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है वो आरटीओ की वजह से हो रही है। ये रोड से अचानक बंद होना चाहिए आरटीओ, तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए आरटीओ को। तो यही मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मेरे लिए राज दिया जाए तो एमपी का, ये किसी भी स्टेट का, राजस्थान और एमपी सबसे नंबर पाया बड़ा आरटीओ इनका, सबसे बदमाश आरटीओ है एमपी का, सबसे बदमाश आरटीओ राजस्थान और एमपी।
मैं खुद राजस्थान का हूँ। एमपी में तो लोग बाग अभी ठीक बता रहे हैं, कोई ठीक नहीं है। अभी बॉर्डर बंद हो गया, एमपी का बॉर्डर बंद हो गया। अब बॉर्डर से जस्ट 500 किलोमीटर आगे डेरे डाल के खड़ा हो गया है। अब एक मेरी गाड़ी से खड़ा होना है तो वही होना खड़े जहाँ पे जगह है। अभी 1500 लेते थे पहले बॉर्डर पे नाजायज 1500 रुपए लेता था, 2000 ले लेता था, 1000 भी ले लेता था हमारी टेलर से। तो अभी क्या कर रहा है, 2000 ले रहा है, 1500 ले रहा है, बाकी जो पहली फीस थी उससे भी आगे बढ़ा दिया उसने अब दोबारा। ऐसा अभी मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 48 घंटे नहीं सोए उस आरटीओ के चक्कर में। अच्छा, क्योंकि अभी अब हम भी गरीब इंसान है, अगर 1000-2000 पैसे के लिए डोल रहे, पूरी रात गाड़ी चलाई उसकी वजह से। जब वह वहाँ जहाँ पे खड़ा होता है वह आता है सुबह 7 बजे, तो 7 बजे से पहले हमारे उसको क्रॉस करना है। अब चाहे अब एक चीज आप भी मान रहे हो, अगर आगे आरटीओ खड़ा है ड्राइवर क्या सोचेगा, ले 50 किलोमीटर और क्रॉस कर लो इसको पार करके सो जाऊंगा, 2000 रुपए बच जाएंगे मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से सरकार इस पे कानून ऐसा लागू करे जो आरटीओ रोड पे नहीं खड़े हूँ। सही है, ड्राइवर भागने का कानून तो बना दिया इन्होंने, लेकिन वो एक आरटीओ का कुछ नहीं कर पा रहे। ड्राइवर तो कोई बात नहीं देखी जाएगी, वे तो बाकी आरटीओ के बारे में कुछ कानून ऐसे बनाए नहीं, मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं करते। आरटीओ को तो रोड से जमा हटाए, बिल्कुल हटाना चाहिए, हटवा दे भाई, बिल्कुल हटवा देंगे। तो चैनल के माध्यम से कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन अगर आपकी वीडियो कोई अगर सरकारी बड़ा अधिकारी देखता है तो इस चीज को, हमारे हम ड्राइवर है, हम गरीब इंसान, हाथ जोड़ के कहते हैं आपके सामने भाई साहब, इसको आरटीओ को बंद कीजिए। शेरू के देख ले, शेरू के देख लियो, कह रहा है ऐसे। ये तो भैया, ये लैंग्वेज कहाँ की है आपकी यार? हम है मेवात। अच्छा, मेवात के हैं आप? तो मेवाती ट्रक्स होते हैं कुछ स्पेशल, मतलब वहाँ के बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं यार? होते हैं, सब जो हम चलते हैं ज्यादातर मेवाती, जो हमारे ट्रक होते हैं मेवाती, जो अपना खुद का गाड़ी होता है वह ज्यादातर सब तरह की गाड़ियाँ, जो ज्यादातर 80% गाड़ी हमारी सब जो ढोने पे हैं। अच्छा, मेवाती हो? हाँ, मिर्च हो गई, अपने अदरक हो गई, जो भी है, जो मंडी का काम होगा वो मेवाती कर रहे हैं। ये चीज हम, मैं नहीं बोल रहा, आप किसी भी ड्राइवर से जानकारी कर सकते हो। सही बात है। तो आप ये मतलब सब्जी वब्जी का कुछ खुद का ट्रक वगैरह कभी रखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं रखा। ड्राइवर ही कर रहे हैं अभी? ड्राइवर। कितने साल? इतनी ड्राइवर तो मैं काफी पहले से हूँ इस पे, मेरे ख्याल से 2009-10 में गाड़ी सीखा था। 2009-10 मतलब 12-14 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते? गाड़ी लाइन 2009-10 में आया था मैं। तो आप शुरू से ड्राइवर ही करी है? नहीं, पहले कंडक्टरी करी, पहले टायर साफ करते थे, उस्ताद के लिए खाना बनाए, पैर भी भीचे थे, सारे काम करते थे यार भाई। तो अभी ये ट्रेलर आप चलाया? कोई भी दो, सब चलाई, कोई भी गाड़ी तो चलाने के लिए कोई बात नहीं। तो इसमें पेमेंट वगैरह बता सकते हैं कितनी? पेमेंट तो यार भाई साहब, पेमेंट तो अभी सही बात ये है, अभी 18,000 रुपए सैलरी है। फिर आरटीओ मिल जाएगा आगे? हाँ। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आरटीओ नहीं मिलेगा। हाँ। बाईपास पे, भोपाल बाईपास पे हम खड़े हैं ऑलरेडी। हाँ। तो भोपाल बाईपास पे खड़े हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि आरटीओ नहीं मिलेगा। अब आप अगर हमारे टाइम यहाँ पे खर्च करोगे तो फिर वो आरटीओ मिलेगा, वह 1500-1000 रुपए लेगा। हाँ। फिर हम आपको कोसेंगे। अरे यार, हम लोग कहते हैं शेरू को आरिफ जरूर देखा। क्या क्या? शेरू को आरिफ ये बोल रहा है, एक लड़का है उसके पिताजी का नाम शेरू है। हाँ। और उस लड़के का नाम आरिफ है। हाँ। तो जरूर देखे इसको, शेरू भाई साहब, शेरू जो भी है जरूर देखें इस वीडियो को। हाँ। आप बताना उनको, मैं आपको लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना भाई, सब्सक्राइब भी करना, घंटी बजाना। आज की वीडियो में इतना ही था, भैया ने जो है रियलिटी बता दी यार, इनको थोड़ा सा भाई अर्जेंट है, और सही बात है यार भाई, आरटीओ बहुत ज़्यादा जो है आजकल ट्रक ड्राइवर्स को परेशान कर रहे हैं, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर से मैं इस चीज़ के बारे में मतलब सुन चुका हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई ज़रूर रुकना चाहिए। और ये जो वीडियो है इसमें भैया ने आयसर की इस ट्रेलर के बारे में हमको बताया। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।